नौकरियों की कोई कमी नहीं है, ये आपने नाम देखा तो आपके मन में सवाल होगा कि ये क्या बात मैं करने जा रहा हूँ। दरअसल एक रिपोर्ट है आरबीआई की, चर्चा उसी के इर्द गिर्द होगी। आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें प्रोडक्टिविटी के आधार पर आप देखेंगे तो नौकरियां तो बहुत हैं और बहुत सारी नौकरियां मिली हैं। FY24 में ही 4,67,00,000 नौकरियां मिली हैं। इसमें 27 सेक्टर्स को अलग अलग तरीकों से शामिल किया गया है, उनको देखा गया है, और जो रन रेट है एम्प्लॉयमेंट मिलने का, नौकरियां मिलने का, वो जो है दुगना हुआ है FY24 में पहले के मुकाबले, और 6% की दर से ये बढ़ रहा है, जबकि 3.2 था इससे पहले के वित्त वर्ष में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रिपोर्ट सिटी की तरफ से जारी की गई, तो उसमें ये कहा गया था कि 7% की ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा नौकरियां क्रिएट नहीं हो पाएंगी। और इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे डेटा आप देखते होंगे कि समझ में नहीं आता कि जॉब क्रिएशन भारत में हो कितना रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये एक रिपोर्ट जो RBI ने जारी की है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें कई सारे टाइम पीरियड्स को कंपेयर किया गया है कि 17 से 18 से लेकर के 22-23 तक कितनी नौकरियां क्रिएट की गई हैं, और FY22-23 का अगर टोटल नंबर देखें तो 59,66,00,000 लोग नौकरी पे हैं। 21-22 में 57,75,00,000 थे। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उन्होंने एक नया तरीका निकाला KLEMS, जो अलग अलग वेरिएशंस हैं कि इसका मतलब क्या है, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल, सर्विसेज, और इसको ट्रैक करने का एक तरीका बनाया। एक और कॉन्टेक्स्ट मैं आपके सामने रखूं कि अक्सर आप लोग देखते होंगे एक नंबर आता है PMI का, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी नंबर हर महीने आता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स होता है, उससे ये पता लगता है कि देश में बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की हो रही है। तो PMI का नंबर जब 50 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तेज़ी है, बहुत काम धंधा चल रहा है। 50 से नीचे जाता है तो स्लो होने की संभावना जताई जाती है। हाल फिलहाल में जो हमने नंबर्स देखे हैं वो 58 तक के हमने नंबर देखे हैं जो नंबर आए हैं, और वो नंबर इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ परचेज मैनेजर्स के इंडेक्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। इसकी गणना भी बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाती है, एक सर्वे किया जाता है SNP की तरफ से, और उस सर्वे में लोगों से पूछा जाता है जो कंपनियां चला रहे हैं कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उनके जो जवाब होते हैं उसके आधार पर एक फार्मूला होता है, उससे वो नंबर निकाला जाता है। तो वो नंबर भी अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ जो मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जॉब क्रिएशन तो हो रहा है। लेकिन इससे उलट देश भर में एक नैरेटिव ये है कि नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन ये नंबर कुछ और कहानी कह रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे और फिर इसको कॉन्टेक्स्ट को ले जाएंगे बजट के लिए कि बजट में सरकार के सामने एक चुनौती होगी। ज़रूरी नहीं कि जितने नंबर्स आए ये बहुत हैं, ऐसा नहीं, हमेशा और बेहतरी गुंजाइश हो सकती है। एक और फैक्टर होता है कि जॉब तो है लेकिन क्या वो क्वालिटी के जॉब्स हैं, बहुत अच्छी नौकरियां हैं क्या, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है क्या। ये सवाल हमेशा उठता है कि नौकरियां तो मिली लेकिन बहुत अच्छी नहीं मिली, बहुत अच्छी सैलरीज की नहीं मिली। देश का सबसे ज़्यादा हाल फिलहाल में नौकरी जो देने वाला सेक्टर था IT, बहुत बुरे दौर से गुजरा। कोरोना के समय तो बहुत आया लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें नौकरियां कम हुई। उसके अलग कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि AI और मशीन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब ये दिख रहा है कि जो पहला क्वार्टर है ये अप्रैल मई जून, इसमें कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो नौकरियों की भरमार तो नहीं कह सकता मैं, हायरिंग शुरू हो गई है, मिड लेवल की हायरिंग शुरू हो रही है और कंपनियां अब हायर करने जा रही। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें छपी हुई हैं। तो एक संकेत वहां से भी मिलता कि ग्रीन शूट्स है कि IT जो वाइट कॉलर जॉब खूब प्रोवाइड करते हैं वहां पे शुरुआत है। हालांकि अभी कैंपस हायरिंग में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली है लेकिन शायद वहां पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि US में जो IT कंपनीज हैं उनकी तरफ से अगर बिजनेस आ रहेगा तो फिर ये होगा। तो फिर ये पूरा जो देश में एक नैरेटिव है कि नौकरियां नहीं हैं, बहुत बेरोजगारी है साहब, ये क्या है और ये RBI का आंकड़ा क्या है। मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ एक पत्रकार के नाते, एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के नाते, कि RBI के डेटा को मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ देखता हूँ, इस पर मैं कभी डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेटा बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत रिसर्च करके आता है और उसके डेटा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर RBI ये कह रहा है कि नौकरियां हैं, ये हो सकता है कि स्किल सेट ना हो तो आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, या बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही हो, ये भी पॉसिबल है कि कहीं पे आप एक पॉकेट में देखेंगे नौकरियां कम है
तो शायद उसका कारण स्किल सेट हो सकता है, या बहुत अच्छी नौकरी नहीं हो सकती, या एक और फैक्टर है जो पीरियोडिक लेवल सर्वे में निकल के आया था कि एक सर्टेन एज तक लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, उसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए थे। लेकिन उसका एक तर्क ये दिया गया था जो एक समझदारी भरा तर्क है कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है, तो नौकरियों की उम्र भी बढ़ती है। पहले हाई स्कूल इंटर पास करके लोग नौकरी ढूंढते थे, अब लोग ग्रेजुएशन करके ढूंढते हैं, तो जो नौकरी पाने की सर्टेन एज डेफिनेटली 20 22 25 से ऊपर जाएगी। इस कंसिडरेशन को भी दिमाग में रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम एलूफ में या एकदम पॉलिटिकल डिस्कशन के तहत इन चीज़ों को नहीं देख सकते, समझदारी से देखना पड़ेगा। तो इसी बात बातचीत होगी, हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल है, बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं जो इस सेगमेंट में लगातार काम करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हिरनदानी ग्रुप के MD निरंजन हिरनदानी होंगे। मुझे ध्यान है लोग जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि नौकरियां तो हैं साहब, स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो खुद अपना एग्जांपल दे रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री में यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको अगर 1000 लोग चाहिए तो बहुत मुश्किल 200-300 लोग मिलते हैं जिस स्किल सेट के लोग उनको चाहिए। तो उनसे बातचीत होगी। हमारे साथ MS उन्नीकृष्णन सर हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और एक कैपिटल गुड्स की बहुत बड़ी कंपनी को बहुत दशकों तक चलाया है और लगातार इकोनॉमी पर नज़र बनाए रखते हैं, उनसे बातचीत होगी। शुभम भट्टाचार्य जी हैं जो पत्रकार हैं और इस डेटा को उनके थ्रू परखेंगे, उनका के मतलब उनको मैं एक मान के चलता हूँ कि वो टेस्ट केस होंगे हमारे लिए, ये डेटा वो कैसे देख रहे हैं। और साथ ही MD हैं ग्लोबल हंट के सुनील गोयल जी जो नौकरियां दिलवाने में मदद करते हैं, उनसे भी बातचीत होगी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन पहले एक इंडस्ट्री राय ले ली जाए। उन्नीकृष्णन सर, RBI कह रहा है कि नौकरियों की कमी नहीं है साहब। बात सही है। आप रिसेंटली अपना लार्सन ट्यूब्रो का चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का एनुअल रिपोर्ट के साथ में जो बात की, उन्होंने स्पीच दी, उसमें बताया कि जहां हमको 1,00,000 वर्कर्स चाहिए साइटों में करने के लिए, तकरीबन 25,000 की कमी है। तो हर एक कंपनियों से अगर बात करेगा, कंस्ट्रक्शन में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वालिफाइड आदमी की कमी है, बट नौकरी का कमी भी है, वैकेंसी का भी कमी है एक तरफ से, बट दूसरा जहाँ वैकेंसी है वो उसके लिए क्वालिफाइड स्किल आदमी का भी कमी है, तो मिसमैच की प्रॉब्लम हो गया। बट आप अगर बोलेगा तो ऐसा है, मैं ऐसा तरीके से देखेगा, पिछले साल में तकरीबन 6.8% अपने इकोनॉमी का ग्रोथ हो चुका है, मतलब तकरीबन 210 बिलियन का एडिशनल वैल्यू एडिशन अपना कंट्री में हो चुका है। 210 बिलियन का वैल्यू एडिशन अगर करना है तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर नया नौकरी हो गया होना चाहिए डायरेक्टली। इनडायरेक्टली पकड़ के जो RBI का नंबर जो बता चुका है 4.5 करोड़ के ऊपर की जो नौकरी नए आगे करके, उसमें कुछ गलती मेरे को नहीं लग रही। और जो तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो जो इंडस्ट्रियों की कैपेसिटी बढ़ी, बड़े बड़े कंपनियों की नए नए कैपेसिटी जो हो चुके हैं, उसमें 2 तरीके का नौकरी होता है। एक तो बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए एक नौकरी होता है, बाद में फैक्ट्री लगने के बाद में उससे ज्यादा नौकरी लगता है। हमको लगता है कि एक फैक्ट्री तकरीबन से 1,000 करोड़ की बन गया, उसके अंदर से 500 का नौकरी अंदर मिल गया, बट बाहर जो ट्रक चलाने वाला और उसके आजू बाजू में जो होटल आ जाएगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनाएगा, वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन का सब पकड़ के तकरीबन रेशियो 1:4 रहता है। मतलब 500 का नौकरी अगर एक फैक्ट्री के अंदर हो चुका है, मतलब 2000 नौकरी बाहर भी बन चुका है। और इसको अगर आपको कोराबरेट करना है, आपको EPFO का डेटा भी देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ न्यू एडिशन टू द प्रोविडेंट फंड एडिशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट हैज हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट इन द कंट्री इन द लास्ट ईयर। सो मैं नंबर को मानता हूं, आगे पीछे का कुछ 19-20 वाली फर्क हो सकता है, बट अदरवाइज इज एब्सोल्युटली अ पॉजिटिव इंडिकेटर एंड इज अ करेक्ट इंडिकेटर। अननेसेसरली वी आर मेकिंग ए बिग नॉइस अबाउट नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। बात सही है, जो लोग चाहते कि ये गांव से जो जिसके पिताजी एक फार्मर है, वो चाहते है मैं सिटी में आके मेरे को 50,000 की नौकरी लग जाए, नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। अगर क्वालिफाइड ही रहेगा उसको मिलेगा, 10,000 की नौकरी मिलेगा, उसे खुश नहीं रहेगा। तो उसके लोगों के मन पे जो है, अच्छा नौकरी नहीं मिल रहे, बात सही है, बट नौकरी नहीं मिल रहे मैं मानता नहीं, बस सही नहीं। और जो तरीके से आगे की भी जो प्लान है नीरज, ऐसा है जैसे कि सीमेंट की देख लो,
तकरीबन 600 मिलियन टन के कैपेसिटी आज का दिन में शामिल है हिंदुस्तान में। 2028 तक करीबन 150 मिलियन टन एडिशनल कैपेसिटी बनने वाला है। उसमें माइनिंग में कितना नौकरी होगा, ट्रांसपोर्ट में कितना नौकरी होगा, और रेलवे का कितना लाइन लगाना होगा उसके लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना नौकरी मिलेगा। स्टील की कैपेसिटी 130 मिलियन टन आज का दिन में है, वो 210 टन तक पहुंचने वाला है 2030 तक। कितने माइनिंग में नौकरी लगेगा, और अगर इंपोर्ट करेगा तो पोर्टों में, ट्रांसपोर्ट में कितने नौकरी लगने वाला है। तो मेरा ख्याल से अननेसरली हम जो बात करते हैं कि नहीं नौकरी नहीं है, नौकरी है बट वो लायक होना चाहिए हर एक आदमी का मन का, वो तो नहीं होने वाला है। हमको ऐसा स्किल करना चाहिए जिसमें से नौकरी खोलने वाला है, उसके लिए हमको स्किल करवाना चाहिए। और लास्ट पार्ट फ्रॉम माई साइड, इंडिया इज बीइंग लुक्ड अपॉन बाय द वर्ल्ड इन डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सर्विसेज, कंज्यूमर रिटेल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये नए सेक्टर्स जो खोल रहे उसमें जो तरीके से मिलने वाला है, जो तरीके से 2000 के बाद में आईटी की नौकरी खुली, उससे डबल दुप्पट होने वाला ये सेक्टरों में हिंदुस्तान में। पर हमको अपना लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इसके लिए लायक करना पड़ेगा, तो जरूर नौकरी का कोई कमी नहीं पड़ने वाला, ये मेरा राय। ये सिटी ग्रुप ये कहता है कि 7% की ग्रोथ अगर हुई तो 80-90 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं पैदा हो सकती, क्यों बोलते हैं ऐसे वो? मेरे को तो नहीं, ऐसा नहीं लगता है। लोग ये तो रिपोर्ट के मुताबिक बोलता है कि देखो 7% का ग्रोथ होगा कि हमारे इधर 70 लाख की नौकरी होगा, बट डिमांड रहेगा 1.2 करोड़ की रहेगा। ये सब एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है। मेरा ख्याल से लोग अभी तक ये बात नहीं करता है कि हमारा स्टार्टअप सिस्टम में 2017 में तकरीबन 26-27 हजार का नौकरी था, पिछले साल में 3.5 लाख का नौकरी है स्टार्टअप सेक्टर में। इंडिया इज टुडे द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। मेरा ख्याल से अगले 10 साल में दुनिया का सबसे बड़े इकोसिस्टम होने वाला है स्टार्टअप का हिंदुस्तान में। कितना नौकरी उसके नौकरी आने वाला है, भगवान जाने, बहुत आने वाला है। तो ये सब ऐसा स्पेकुलेटिव है। देयर आर टू नैरेटिव्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। एक बोलता है कि नौकरी का कमी है, दूसरा बोलता है कि नहीं आदमी का कमी है। बट एक मेरा राय है कि जो राइट आदमी, जो राइट स्किल्ड आदमी का कमी है हिंदुस्तान में, नौकरी का कमी नहीं होने वाला। तो आदमी को ये समझदारी होना चाहिए कि मेरे लिए कोई नौकरी नहीं रखा है, नौकरी है उसके लिए मैं कैसा लायक बनूं। दैट इज अ वे एज अ कंट्री वी गो टू थिंक अबाउट एंड ट्रेन आवर पीपल टू गेट इट। आई एम श्योर मिस्टर हिरानंदानी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज फेसिंग इन गेटिंग द राइट स्किल पीपल फॉर कंस्ट्रक्शन। हमाल मिलेगा, क्वालिफाइड और केपेबल आदमी कहाँ मिलता है हिंदुस्तान में आज का दिन। राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे यूनिकॉर्न बन चुके हैं जिनके 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वैल्यूएशन हैं। हिरन दानी सर, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 6% है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और 4.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ FY24 में क्रिएट हुई हैं, और लगातार ये रन रेट बना हुआ है। तो नौकरियों की भरमार तो है, लेकिन जैसा उन्नीस सर कह रहे हैं कि वो नौकरी तो है, उसके लायक बनाना है या उसके लायक लोग हैं नहीं। पिछली चर्चा हम लोगों की तो आप ये बात बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप 1000 ढूंढते हैं 200 मिलते हैं। क्या ये एक सिचुएशन है? लेकिन फिर मिल भी तो रही है नौकरी, हो सकता है कि आप ही थोड़ा कम स्किल वाले को दे देते हो, भाई कुछ नहीं मिल रहा, चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ, ऐसा भी है? नीरज जी, आपने बहुत सही कहा। कठिन है आज के तारीख में, मुझे स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं। आप पूछिए, मेरे हर साइट पर स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है। जो लार्सन एंड टूब्रो बताया 25,000 है, मेरे खुद के कंपनी में 3,000 नौकरियां खाली पड़े या अनस्किल्ड वर्कर्स स्किल का काम कर रहे हैं। तो मेरी छोटी सी कंपनी कंपेयर टू L&T में हमें 3,000 लोग हम भर सकते हैं जो स्किल वर्कर्स हो सकते हैं। तो मेरे अंदाज से जो एस्टिमेट हम गिनते हैं कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां आज की तारीख में जो स्किल्ड वर्कर्स करने चाहिए वो अनस्किल्ड वर्कर्स कर रहे हैं, और आज की तारीख में एटलीस्ट 2 लाख वर्कर्स स्किल्ड आ जाए तो उनको 4 गुना पगार भी मिल सकता है। तो ये दोनों बातें हैं जो उन्नीस कृष्णन साहब ने कहा, लेकिन मैं उस पर स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज के तारीख में जो बढ़ोतरी हुई है
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले मैं बात करना चाहता हूं, वो जो ग्रोथ हुई है वो 7% नहीं ग्रो हुआ है, वो 15-20% की ग्रोथ हुई है ये सेक्टर में। सेकेंड, ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हिंदुस्तान में है। मैन्युफैक्चरिंग की भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, लेकिन हाउसिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रहे। आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं वो है अनस्किल वर्कर्स की, और वो क्या है कि लोग अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, जैसे उन्नीकृष्ण चाप ने जिक्र किया, और वो उनको पगार उतना नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ही स्किल कर दें, 3-6 महीने की स्किलिंग दे दें तो आज की तारीख में उनको मिनिमम 2-2.5 गुना पगार आज भी मिल सकता है। एक पॉइंट रहा। दूसरी बात रही है आगे जो ग्रोथ होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे 35-40 किलोमीटर हाईवेज की हो रही है, जो ग्रोथ होगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस साल में, जो PMAY स्कीम की जो ऐलान किया सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ऐलान किया कि वो 3 करोड़ घर अफोर्डेबल सेक्टर में उनको इंटरेस्ट की सबवेंशन देने वाले हैं, तो वो बात जो रहेगी उसकी ग्रोथ है वो अलग है, ये आप नॉर्मल गिनती में मत करिए। तो ये सब गिने में गिनेंगे तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आने वाले 2-3 साल में जो स्किल वर्कर्स आ जाए तो आपको नौकरियां की कमी नहीं रहेगी, ये गारंटी है। लेकिन स्किलिंग कैसे किया जाए, जो आज के तारीख में स्किलिंग की जो पॉलिसी सरकार की है वो आज पूरा नहीं हो रहा, उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो हम हर साइट को स्किलिंग सेंटर बनाने चाहिए और ऑनलाइन स्कीम्स, वीडियो सिस्टम्स, ग्राउंड वर्क करने की कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम करके हमको कैसे भी करना चाहिए। टेक्निकल कॉलेजेस जितने आप बढ़ाते हैं वहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इंजीनियर जो पास होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स जो पास होते हैं 3-6 महीने की स्किलिंग करते हैं उनको जरूर नौकरी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क अंतर आ गया है जो पहले नहीं था, 2-3 साल पहले ये नहीं था इतना, लेकिन आज ये बहुत गंभीर वस्तु हो गई है और हमें इसके ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर 3,000 लोग आपने खुद ऐलान कर दिया है आपके ऑफिस और साइट्स पर लोग पहुंचेंगे अपनी एप्लीकेशन, स्किल वर्कर हाँ बिल्कुल, तो जो लायक होगा पहुंचेंगे। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर ये बात विश्वास करनी चाहिए कि नौकरियां तो है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं क्या, या फिर एक जनरल पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया जाता है साहब बहुत बेरोजगारी बहुत नौकरी, हमको बहुत लोग मिलते हैं साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन ये मिसमैच यहाँ पे दिख रहा है कि जॉब्स हैं लेकिन क्या आप उसके काबिल हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा, जो लोग काबिल नहीं है वो एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो रही होगी कॉलेज से स्कूल से निकल करके, उधर भी कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन पहले एक बार ज़रा टेस्ट करें इसको शुभमय जी से। शुभमय जी, RBI का डेटा, सिटी की रिपोर्ट, तमाम सारी रिपोर्ट्स आप सुनते आ रहे हैं पिछले, और मोदी सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि ये 2 करोड़ नौकरियां पैदा ही नहीं की साल में, बहुत भयंकर बेरोजगारी हो गई है, बट RBI का डेटा कुछ और कह रहा है, आपको बिलीव है इसमें? RBI के डेटा के ऊपर नीरज जी आपको भी जिस तरह से आपको विश्वास है मुझे भी, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए RBI के डेटा पर बिल्कुल, और खासकर अगर इसका बैक कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे जिस तरह से ये लोगों ने किया है, ये कोई मतलब जस्ट लोगों से 5 लोगों से पूछकर उन्होंने ये डेटा तैयार नहीं किया है, इस डेटा इज ए रिगरस एनालिसिस में उनका ये डेटा तैयार हुआ है, इसलिए इस डेटा बिल्कुल ही दुरुस्त है। अभी तक मैं काफी डिटेल में सुन रहा था जो डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छा डिस्कशन आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे थे महेंद्रनंदन जी और आप सारे कृष्ण जी भी, एंड मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये स्किलिंग वाली प्रॉब्लम है, पर मैं ये स्किलिंग वाली प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुश्किल क्या है, जॉब्स सच में तैयार हो रहे हैं, बहुत जगह पे नहीं हो रहे, बहुत सारे ज्यादा जगह पे जॉब्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री है, यानी कि हमारे वेस्टर्न इंडिया में, हमारे सदर्न इंडिया में, इस जगहों पे, इन जगहों पे आपको रेगुलरली जॉब्स बन रहे हैं, जॉब्स में लोग जा रहे हैं। मुश्किल कहाँ पे आ रही है, हमारे आबादी का ज्यादा परसेंटेज लोग कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में जब कोई पॉलिटिकल नैरेटिव या कोई भी अगर हमारे जर्नलिस्ट भी कोई भी अगर जाके जब पूछते हैं तो जो काबिल लोग हैं जिनके पास स्किल्स है या जिनको स्किल लेने की कैपेसिटी है वो तो वहां से मूव कर गए हैं। बचे कौन हैं? एक ह्यूज पॉपुलेशन बचा हुआ है जिनके पास स्किलिंग नहीं है। इस पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है कि इनको नौकरी नहीं मिल रहा है और वो सच सच भी है क्योंकि उन जगहों पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल में पिछले एनएसओ का डेटा कह रहा है कि पिछले 5-7-8 साल में करीब 3 मिलियन जॉब एंटरप्राइजेस बंद हो गए, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइज स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये उन स्टेट्स की कहानी है। तो उन स्टेट में अगर एंटरप्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि उस स्टेट में जब तक वहां से लोग निकल के दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं तब तक उन लोगों का कहना क्या रहेगा कि भाई हमको तो नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरुआत में ही गांव से निकलते हुए या इवन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टाउन से निकलते हुए लोग इमीडिएटली माइग्रेशन की बात नहीं सोचते हैं। माइग्रेशन शुरुआत में होता है अपर इनकम लेवल्स में, जहां पे नेचुरली हम मानते हैं कि जहां नौकरी मिला वहां पे हम चले जाएंगे। यहां पे माइग्रेशन काफी फोर्स्ड रहता है, काफी सोच विचार के बाद और फैमिलीज के साथ बहुत सारे बहुत सारे दुविधाएं वगैरह उन सबको लांग कर फिर जाके वो मूव करते हैं। जब एक बार पहुंच जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स पे तब उनको नौकरी मिल जाता है, तब उनको और उसके बाद उनको जो स्किल बढ़ाना है उसके तरफ वो ध्यान भी देना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले का जो स्टेज है और खासकर उनका जो वहां से निकल नहीं पाते, भारत में एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी दुर्दशा की जो डिस्कशन है ये आप देखेंगे किस कुछ चंद स्टेट में ही है, लेकिन वो स्टेट है हेविली पॉपुलेटेड और इन स्टेट में इसीलिए बार बार आता है कि भाई नौकरी नहीं है। अब बिहार में कोई यंगस्टर उसको नौकरी की बात सुन के फायदा नहीं है कि महाराष्ट्र में नौकरी मिल रहा है या तमिलनाडु में नौकरी मिल रहा है, जब वो जाएगा तब उसको पता चलेगा, तब उसको अच्छा लगेगा, तो वहां पे उनके वहां की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम में वो शामिल हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं जाते हैं तब तक तो वो यही कहेंगे ना कि हमारे पास मेरे पास नौकरी नहीं है। ये जो माइग्रेशन का जो फ्रिक्शन है ये हमारे एम्प्लॉयमेंट में शामिल करना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम कभी बहुत बड़े हम समझ नहीं पाते। जैसे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए जो रश है, आपने आपको रिपोर्ट्स मिले होंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश वगैरह में, इन सारे स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की रश है। क्यों होती है? वो सेम वही वाला चीज के दुर्दशा का ही एक छवि है। और वही लड़के और वही से जब आप सदर्न स्टेट्स में जाते हैं तब आपको वो चीज वो पिक्चर नहीं मिलता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए वो रश नहीं मिलता है, वहां पे नौकरी का जो समुदाय है जो नौकरी के लिए जो डिमांड्स है वो बिल्कुल अलग है। और इसीलिए उन स्टेट से ये अनएम्प्लॉयमेंट की ये जो कहानी है कहानी में कह रहा हूँ सच हकीकत है, वो हकीकत उन स्टेट्स के लिए लागू नहीं होता है। ये जो डिसबैलेंस डेवलपमेंट हो गया और ये अलग वजह है कि क्यों वहां पे हुआ है और उसके लिए क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की ये जो छवि है अभी यंग लेवल में, खासकर मैं मानता हूँ 25 से लेकर 35 तक का जो क्रिटिकल जो पीरियड है, क्योंकि 25 तक जैसे आपने कहा कि वो कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ पढ़ाई वगैरह करने का, तो मान लीजिए 22-23 से वहां से लेकर करीब 35 साल के बीच में ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल वर्ड सही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को दूसरा डेफिनेशन दिया जाता है, लेकिन ये जो माइग्रेशन प्री माइग्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको मैं कहूंगा ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर बन चुका है। इस बारी के इलेक्शन में भी ये जो डिस्कशन उठ के आया था वो आप जैसे आपने गौर किया होगा वो उन्हीं स्टेट्स में से right. बाकी स्टेट नहीं है, और इसलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड का ये चीज को समझ के अगर हम चले तो हम अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो पिक्चर है स्किलिंग वाली झमेला है वगैरह इसकी जो काफी सारा छवि क्लियर हो जाए। जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि एक तो ये जो ना हाथी वाली कहानी है यहाँ पे कि किसी को हाथी का पैर दिख रहा है, किसी को सूंड दिख रही है, किसी को पूंछ दिख रहा है, कोई बिग पिक्चर में नहीं दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है लेकिन कंसंट्रेशन हो सकता है उसका या किसी एक खास ज्योग्राफी में नहीं हो सकती है। और नौकरी और रोजगार में फ़र्क भी होना है, नौकरी में भी लोगों को लगता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली तब तक एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं। आप देखिए ना बिहार का नैरेटिव्स यही है कि हम आएंगे सरकार में तो हम इतनी सरकारी नौकरी देंगे,
या देश में एक नैरेटिव है कि हम इतनी नौकरी देंगे, 97 लाख है सरकारी नौकरी, कितनी दे लेंगे आप, कितनी दे लेंगे आप, नहीं दे सकते ना। तो ये एक भ्रम है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब की। लेकिन गोयल साहब हमारे साथ हैं जो नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। गोयल साहब, मैं अगर बीए पास कोई लड़का आपके पास आया तो आप उसको क्या अपॉर्चुनिटी दिलवा पाएंगे? कि मैं पूरे मार्केट को, क्योंकि मुझे एक मौका मिलता है दोनों तरफ के दर्द को जानने का। जी, जैसा हिरानंदानी जी ने बोला कि हमारे पास इतनी जॉब है, तो जब भी मैं इनके जैसे लोगों के पास जाता हूँ तो एक मेरे पास सवाल आता है, कोई अच्छा आदमी दिला दो, ठीक है। और जो जॉब सीकर होता है उनके पास जाता हूँ तो कहता है कोई अच्छी नौकरी दिला दो। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मुझे लगता है मैच मेकिंग का ज्यादा है, और स्किल वर्सेस एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हम बोलते ही हैं। मैं पूरे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को दो तरीके से डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए क्या है कि हमारा जो हमारी जो कंट्री का एक सर्टन लेवल तक जो फोकस था, हम सबसे बड़े प्लेयर बने हैं आईटी में, आईटी सर्विसेज में। आज की डेट में हम सबसे बड़े प्लेयर बन गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और रोड का नेटवर्क शायद अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 साल में सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में होगा रोड नेटवर्क। उसी स्पीड से अगर आप देखेंगे तो रेलवे है या एयरवेज है कोई भी, तो हम टॉप 5, टॉप 3, टॉप 4, 5, 6 कंट्रीज में आ रहे हैं आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव से। दूसरा सेगमेंट देखें, हम आज तक क्या था कि ज़्यादा सर्विसेज फोकस हो गए थे पिछले 15 साल में या 20 सालों में। मैं 2000 से 2015-17 तक की बात बताऊँगा, बहुत ज़्यादा सर्विसेज फोकस थे, IT, ITES, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में थे, गारमेंट्स यू नो लाइक कपड़े या लदर या कुछ सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं। आज की डेट में फोकस बढ़ा है जहाँ पे हम हैवी मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वैसे वैसे निश एरियाज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कि वर्ल्ड के कुछ देशों ने अपना दबदबा बना रखा था। अब उससे क्या होता है कि क्रीमी वर्क बाहर हो रहा था और शायद नॉन क्रीमी वर्क हम कर रहे थे। तो जब आप नॉन क्रीमी वर्क करेंगे तो ऑब्वियस ही चीज़ें आपको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, आपके लोगों की उसी हिसाब से सैलरीज कम होगी, इन्वेस्टमेंट आपका लोअर होगा। जब आप हैवी और कॉम्प्लेक्स जॉब करते हैं कहीं पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैनुफैक्चरिंग हो, हम सबसे वन ऑफ द लाइक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इन डिफेंस स्पेंड, और आज के डेट में हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि 50-60% मैनुफैक्चरिंग डिफेंस का लोकली हो, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ कुछ पार्ट्स को। तो ये सारे आंकड़े बताने का लॉजिक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में माइग्रेट करते हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पहले शायद जर्मनी का दबदबा था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब था अमेरिका के अलावा, मैं बता रहा हूँ जी, और उसके बाद चाइना का दबदबा हो गया क्योंकि वो भी मैन्युफैक्चरिंग में हब था। जो भी कंट्री सर्विसेज स्पेसिफिक रही है उसका दबदबा रहा है, कम रहा है कंपैरेटिवली। जैसे अमेरिका माइग्रेट कर गया था, वहां पे भी लोग बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, डिपेंडेंसी कम करो। और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास लोग हैं, पीपल। मैं स्किल्ड नॉन स्किल्ड पे आ गया, तो हमारे पास पीपल हैं एंड वी हैव अ यंग वर्कफोर्स। इट मींस एज 20 से लेके एज 40 या 50 के बीच में अगर हम देखें तो हमारी मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 60-70 करोड़ की पॉपुलेशन है जो एज 20 से लेके एज 50 के बीच में या 60 के बीच में अगर आप देखेंगे तो, और 20 से 30 के बीच में ही हमारी कम से कम 20 से 25 करोड़ पॉपुलेशन है। ये इतना बड़ा एडवांटेज है या इतना बड़ा ये मिनरल्स है हमारे पास जी, जो किसी कंट्री के पास नहीं है, और कोई ओवरनाइट जनरेट भी नहीं कर सकता इसको। अब इसको मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए, इसका एक्टिविटी कैसे हो? मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 10-15 सालों से टीवी पे डिबेट कर रहे हैं स्किल्स वर्सेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट गैप्स एंड सो एंड सो। मुझे लग रहा है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस ऑनगोइंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं रीअलाइन करने की जरूरत है दो तरीके से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक आजकल एक करियर पोर्टल शुरू किया है। सुनील जी एक मिनट, ये वाला इशू भी लेके आते हैं कि कैसे किया जाए इसको। मैं तो अभी ये आ रहा हूँ कि आप ये करेंगे, नौकरियां तो हैं, अगर ना अच्छे को मैच कराना है, अच्छा हाँ। कोई अच्छे नौकरी दिला दो, वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा आदमी दिला दो, तो दो अच्छे को मैच कराना, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो है राइट। यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल में चारों लोगों के बीच में ये कंसेंसस है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन शायद स्किल सेट नहीं है। तो चार बातें मेरे को समझ में आ रही जो आप लोगों से डिस्कशन में हुआ। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो सुमो जी ने रखी कि कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रियल का,
बेंगलोर वाला पॉकेट, चेन्नई वाला, डेट्रॉइट, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, इधर ही ज़्यादा जॉब मिलते हैं, यहीं से लोग माइग्रेट हो जाते हैं। आज भी आप देखें तो जितना नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, सब उधर ही जा रहा है। यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा का थोड़ा सा पॉकेट छोड़ दो तो, और डीप में लखनऊ में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी नहीं, एक आध लगाई किसी ने ऑटो इंसली में, या बिहार में तो कोई सुनाई नहीं दिया बहुत दिनों से कि कोई वहाँ इंटरेस्टेड हो। तो एक कंसंट्रेशन का इशू है, दूसरा स्किल का तो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ जॉब उसी से जुड़ा हुआ है कि स्किल नहीं है तो फिर पैसा नहीं है, और कुछ भी आप काम कर लीजिए तो जो मर्जी होगी मालिक दे देगा। एक तीसरा जो है, चौथा पॉइंट जो है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी जो बदल रही है ना उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग इक्विप नहीं है, जिसमें AI और ML का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में डाल देता हूँ जिससे कि लोग समझ सकें। अपने आगे जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति जी ने दो स्टेटमेंट दिए, उनकी बहुत आलोचना हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया। एक बार उन्होंने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर जो निकलते हैं ना वो एम्प्लॉयबल नहीं होते, बहुत क्रिटिसाइज उनको लोगों ने किया। फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, उस पर मैंने एक घंटे का डिबेट भी की थी कि लोगों को 15, 17, 18 घंटे काम करना चाहिए, और लोग इस पर राशन पानी लेके चढ़ पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं, खुद तो पता नहीं क्या किया, ये हुआ। इन दोनों को आप संदर्भ में रख के देखिए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, अगर वो अपने आप को तैयार नहीं कर रही है, खाली BA की डिग्री या BSc की डिग्री लेके आप आएँ और आपको 50,000 रुपये की नौकरी चाहिए डेवन से, तो नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी कंपनी में? तो ये एक बड़ी समस्या जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया, लेकिन वो चूंकि बहुत बार हम लोग ना सोशलिस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो आलोचना शुरू कर देते हैं कि जितने हाथ उतने काम, आसमान से टपकेगा क्या काम। तो इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब एक एक करके ये चारों पॉइंट ने इसको समझते हैं, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कंसंट्रेशन वाला इशू है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें सर ये क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है कि सारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो यही 2-3-4 जगहों पे होता है? क्यों आप लोग उधर क्यों नहीं जाते? आप जाके गोरखपुर में एक बहुत बड़ी थर्मैक्स की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई आपने? आप सही मत लीजिएगा, सही पूछा मेरे से, क्योंकि जब हमने महाराष्ट्र के बाहर पहली फैक्ट्री लगाने के लिए कोशिश की थी, हर एक स्टेट का हमने एक एक्सेल शीट बनाया था कि बड़े बड़े चीज होगा उसमें, सिंगल एक वर्ड में बताया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप स्टेट वाइड अगर देखेगा, क्यों हिंदुस्तान के कंपनियां और इंटरनेशनल कंपनियां आके महाराष्ट्र को चुनता है, गुजरात को चुनता है, तमिलनाडु को चुनता है, कर्नाटका को चुनता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि वाई आर दे नॉट गोइंग टू वेस्ट बंगाल, जैसे भट्टाचार्य जी साहब ने बात किया है। तो द मेन रीजन इज द गवर्नेंस एंड द एंटायर कल्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस माइंड, सपोर्टिव काइंड ऑफ अ सिस्टम की लैक्सिटी है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे साहब ने बोला कि माइग्रेशन का, वेस्ट बंगाल से लोग आजकल कहाँ माइग्रेट करता है मालूम है क्या? मेरा संस्थान में आता है, केरला में आता है। अगर आप देखेगा केरला में कोई भी होटल में, कोई भी बड़े बड़े दुकान में, लुलू मॉल जैसा जो है, जिसमें काम करने वाला मैक्सिमम परसेंटेज विल बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल और ओरिसा। 15-20 साल पहले तमिलनाडु से होता था, क्योंकि उधर का मिनिमम वेजेस है तकरीबन 15,000 के ऊपर, 20,000 तक मिनिमम वेजेस है केरला में। वेरस इन मेनी अदर स्टेट्स मिनिमम वेजेस आर ओनली 8,000 to 10,000, तो वो लोग उधर माइग्रेट करता है। तो मेरा ख्याल से वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ईच ऑफ द स्टेट, दिस इज समथिंग विच ईच ऑफ द स्टेट्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, नौकरी चाहते हो, आपको ऐसा गवर्नमेंट चलाना होगा जो इनवाइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मत आ जाओ, आएगा तो हम स्ट्राइक करेंगे, आप ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि सरकार को इतना सपोर्ट करना चाहिए लोगों को कि आप हमारा मेहमान है, आप ही हमारा भगवान है। क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू रियलाइज एक बात है कि अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पॉवर्टी। सो जो स्टेटों में इनकम कम है, नौकरी कम है, उधर क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो अगर इनकम बनाना तो आपको वेल्थ क्रिएट करना होगा। वेल्थ क्रिएशन के खिलाफ जो भी गवर्नमेंट सोचते हैं, ऐसा जगह पे कंपनी हम नहीं आएगा। या नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि रॉ मटेरियल इतने बढ़िया हो, इतने कम पे भाव में मिलते हो, तो लोग जाके उधर लगाएगा ऐसा फैक्ट्रिया। पर एक चीज मैं बताना चाहता है कि पिछले 10 साल में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि
हर एक स्टेट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट हो, उनका मन पे तो इतना है कि हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा नौकरी नहीं मिलेगा। वो जो चेंज जो हो चुका है, कुछ स्टेटों में बहुत आगे बढ़ रहे, जिसका नाम हमने पहले लिया, जैसे भट्टाचार्य जी साहब ने बोला कि साउथ वर्सेस नॉर्थ। नॉर्थ में सेकंड चीज अभी जल्दी बढ़ने का चीज क्या है कि इकोसिस्टम, एजुकेशन इकोसिस्टम बहुत सारे बढ़ गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत आ चुके, पर नीरज उसमें भी गलती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स एक साल में इंजीनियरिंग के लिए शामिल होते हैं, नए नए एडमिशन लेते हैं। मेरे ख्याल से 12 लाख इंजीनियर पास होता है, हम 2 लाख को भी नौकरी देने लायक कंट्री नहीं है, उतना जरूरत नहीं हमारे पास। तो सब बड़े बड़े नौकरी मिलेगा करके बड़े बड़े कोर्स के लिए जाते हैं, उसका जरूरत नहीं अपना कंट्री में। ये बीए और बीएससी का कोई भी फायदा नहीं पढ़ाई करके, मैं लोगों को बोलता कि 10वीं के बाद में आईटीआई करो, यानी तो सीधा जाके फैक्ट्री में इंटर्न बन लो, तनख्वाह मिले ना मिले इंटर्न हो जाए, बट 3-4 साल काम करने के बाद नौकरी तो सीखेंगे, ऐसा सीखेगा तो हीरादानी साहब उसको नौकरी दे देगा। फिर आप बीए करके बीएससी करके क्या करके, आप नॉलेज क्या आपको? तो ये पुराने जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे पास छोड़ के जो गया है, एजुकेशन सिस्टम को बंद करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए, और नए तरीके से हमको जो तरीके से नया नौकरियां निकल रहे उसके मुताबिक ट्रेनिंग होना चाहिए जी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उनकी एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में जो तरीके से चाइना ने बदलवा लेके आया है, साहब लोग हीरादानी साहब का जैसा, मैं उधर ही रहता हूँ, हीरादानी गार्डन में रहते हैं बम्बई में, तो उधर तरीके से साहब कंस्ट्रक्शन करता है। तो मैं सच में बताता हूँ कि मोस्ट मॉडर्न टाइप जो तरीके से रोड बन रहे हिंदुस्तान में, जो तरीके से ब्रिजेस बन रहे हैं, तो लेटेस्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा मशीन को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए लायक जब बन जाओगे, नौकरी की क्या कमी होने वाले है अगले 20-25 साल के लिए, उसके बाद में सर्विस के इंडस्ट्री का सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे है, तो ये स्किलिंग हैज गॉट टू बी डिसाइडेड एट द राइट वे। जो उपभोक्ता है, जो जैसे साहब जैसे जो आदमी को नौकरी देने वाला है, उनसे बात करके आप कोर्स चलाएं, ऐसा नहीं कि हम बीए चलाएगा बीएससी चलाया करके, ये मेरा राय है। नहीं, बहुत ये देखिए, इस स्किल शब्द बार बार आ रहा है, इसको बहुत जरूरी समझने के लिए। हिरनानी से भी समझते हैं कि क्या मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री में हो रहा है, कि जो पुराने ज़माने की कन्नी और बसुली लेके आते थे, अब वो दमाने बदल रहे हैं, ब्रिक उठाने के तरीके बदल रहे हैं। और स्किल का एक उदाहरण देता हूँ, फिर आप हिरनानी जी इस पर बताइएगा कि क्यों इतनी ज़्यादा आप स्किल पर जोर दे रहे हैं। मैंने अपने घर पर, मेरा एक जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा ग्लास का है, तो उसके ऊपर ये पुली टेढ़ी हो गई थी, तो वो स्लाइड नहीं होता था ढंग से, तो मैंने एक बुलाया उसको कि भाई इसको देखो क्या है। आप यकीन मानिए, वो 1.5 घंटे जूझता रहा, समझ नहीं आया उसको कैसे ठीक किया जाए। मैंने उसकी मदद की, मैं भी इसको उठा रहा था, ये कर रहा था, बाई चांस लकली वो ठीक हो गया, और उसमें सिर्फ कमी ये थी कि उसका स्क्रू ढीला हो गया था और एक स्क्रू टूट गया था। आप सोचिए कि वो 1.5 घंटे मगजमारी करके उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने सीखा नहीं है, ऐसे ही आ गया अपना, चलो बनाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद बन जाए। तो ये अच्छा, ये आप अपने दफ्तरों में देखिए, अपने घर के आसपास देखिए, कितने अनस्किल्ड लोग हैं जो बहुत छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं। तो हिरादानी सर, ये एक समस्या खड़ी होगी आपके यहाँ भी, मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग उसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे। नहीं, मैकेनाइजेशन तो वैसे ही होना ही चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, और जहाँ मैकेनाइजेशन की जरूरत है हम करेंगे। और देखिए ना, आप जो फैक्ट्रियां लगती है, मैं आपको बताऊं, 20 साल 25 साल पहले जो 5,000 गाड़ियां बनाते थे फैक्ट्री, उनमें 5,000 नौकरियां मिलती थी। आज की तारीख में 5 लाख गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री को 550 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक अंतर आ गया, वो मैकेनाइजेशन को आप पीछे नहीं कर सकते। लेकिन बात दूसरी है, जहां हमारे पास नौकरियां की कोई कमी नहीं होगी अगले 5 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, हाउसिंग के देखिए ना, उसमें आपको जितनी नौकरियां की कमी नहीं मिलेगी, आपको कोई चिंता करने की नहीं है। लेकिन ये जो आप बताते हैं उत्तर और दक्षिण के बारे में, जो आपने फैसला बताया, हमारी जो बातचीत चली थी, भट्टाचार्य साहब ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम आ रहा है और दक्षिण में नहीं हो रहा है, ये बात है, लेकिन हमें उसकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में 6 महीने की स्किलिंग के अंदर हम सबको नौकरियां दे सकते हैं, 6-12 महीने मैक्सिमम। तो कोई भी जो
जिसको नौकरियां नहीं मिल रही है, ठीक है यूपी में आज की तारीख में नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा, लेकिन इनको नौकरियां तो हिंदुस्तान में तो मिल रहा है ना, कहां बाहर का विलायत तो नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस शहरों में भी नौकरियां मिलेगी। आज की तारीख में जो यूपी में बढ़ोतरी हो रही है, फैक्ट्रियां वहां भी आ रही है, डिफेंस सेक्टर की भी दो चार फैक्ट्री आ रही है, हमने डेटा सेंटर वहां ग्रेटर नोएडा में अभी लगाया, उसमें भी नौकरी आएंगी, तो ये सब हो रहा है। लेकिन जो रफ्तार से हमारे लोग इलिटरेट माना जो अनस्किल्ड है, जो ज्यादा वहां है, उसको आप स्किलिंग कर देंगे तो आज की तारीख में तो जो आज का करंट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर दीजिए, वो तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं। दो प्रोग्राम बनाइए, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो आप 6-12 महीने में जितने भी स्किलिंग की जरूरत है, हम हर कॉन्ट्रैक्ट में हर कॉन्ट्रैक्टर का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए कि आप 1-1 घंटे रोज लोगों को स्किलिंग करेंगे, साइट पर करेंगे, हम करेंगे, हमारे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पे करेंगे, तो आज के तारीख में हर जो कॉन्ट्रैक्टर है, हर बिल्डर है, उसको ये स्किलिंग कंपल्सरी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये स्किलिंग जॉब्स हमें ही चाहिए। जैसे एलएनटी के सीईओ ने बताया कल, 2 दिन पहले की बात है, रिपोर्ट में उन्होंने कहा हम हर दिन हर बार 25,000 लोगों को स्किलिंग करते हैं, हमारे पास 5,000 ही रहते हैं, 20,000 तो दूसरे कंपनियों में चले जाते हैं ज्यादा पगार लेने के लिए, लेकिन हर एक स्किलिंग कर देंगे तो वो कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात जो रही है वो अभी जो जिक्र हुई है एजुकेशन, जो एजुकेशन की सिस्टम है ना, वो हम ये चाहते हैं कि लोग हाथ से काम नहीं करें, वो एक गलत बात है। अंग्रेज हमको ये सिखा के गए कि वो जो एजुकेशन सिस्टम में हाथ से काम करना नहीं चाहिए, वो एजुकेशन नहीं गिना जाता है, जो बात है ये, इसको परिवर्तन स्कूल से करने चाहिए। हम स्कूल में 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में कारपेंट्री करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल करनी चाहिए, ये सब शुरुआत कर देनी चाहिए, रूरल एरिया में करनी चाहिए, अर्बन एरियाज में भी करनी चाहिए, लोगों को नौकरी मिल जाएंगी, क्योंकि उनको एक बार आदत पड़ जाए कि हाथ से काम करने में कोई शर्म नहीं रखना चाहिए, ये सब सुविधा हो। देखिए मेरे हॉस्पिटल में हमें नर्सेज नहीं मिलते, तो हम नर्सिंग एड्स यूज करते हैं, उसको हम स्किलिंग करते हैं कि नर्सेस को हेल्प करें, हमारे पास एट्रिशन रेट 40% नर्सेस के हैं, दूसरे हॉस्पिटल में 60% एट्रिशन, विलायत सब चले जाते हैं, तो क्या हम रोने लगेंगे? हमें इसको ये जो गैप है उसको पूरा करना है, और जो विलायत जाते हैं अच्छा है, उनको ज्यादा नौकरी मिलेंगे और रिपेट्रिएशन पैसे हिंदुस्तान में करेंगे, तो इसमें मुझे चिंता नहीं है। एक्सेप्ट जो गैप है नीरज जी, ये गैप को सरकार को, प्राइवेट डेवलपर्स को, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को, इसको ये जो स्टाइल ऑफ स्किलिंग है उसको चेंज करने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये इसमें बॉल अंत में जाकर के वहां पे रुक रही है जहां पे कोर है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाइए और स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दीजिए। सिंपल ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक अच्छा प्लम्बर है वो किसी क्लर्क या सुपरवाइजर से ज्यादा कमा सकता है, कमाते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अपने आसपास किसी से पूछ लीजिएगा जाके तो। लेकिन अब लोगों को लगता है कि नहीं, नौकरी का मतलब ये है कि एक ऐसा जॉब मिले 9 से 5 वाला, कि मैं एक व्हील चेयर में बैठूँ, कुर्सी घुमाता रहूँ, दिन में 1:30 बजे लंच भी करूँ और शाम को साइन करके निकल लूँ। अगर ये मानसिकता है नौकरी की या जॉब की तो फिर बहुत दिक्कत है ये, क्योंकि अब समय बदल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं सर, इसके बाद आप दोनों के पास आते हैं, शुभम सर और गोयल जी, कि आपके हिसाब से क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे ये समस्या जल्दी सॉल्व हो। एक जो आपने इशू उठाया जो हिरंदानी जिससे कन्फर्म कर रहे थे, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि अगर जॉब तो है नो डाउट भारत में ही है सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो दो स्टेट बहुत पिछड़ते चले जाएंगे तो वो समस्या बनी रहेगी हमेशा, वो नैरेटिव्स बनते रहेंगे, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है कि भैया बिहार में ही काम हो, वहाँ के लोग क्यों बाहर आए, वहाँ का प्लम्बर क्यों जाके केरल में नल ठीक करे किसी का, उधर ही ठीक कर लो भाई पटना में। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नौकरियों की तो कमी नहीं है, कमी है तो सही व्यक्ति की जिसको जॉब मिल सके, कि आप उस योग्य हैं क्या, आपको नौकरी मिल सकती है। डेटा ये सजेस्ट करता है कि नौकरियों की कमी नहीं है, इसलिए ये नैरेटिव्स थोड़ा सा फॉल्स लगता है कि जो बात चलती है। मैं एक छोटी सी सर कहानी सुनाता हूँ, सुनमें जी, उसके बाद फिर आप उसको आप वहाँ से आगे आप ले जाइएगा।
तिरुपुर की कहानी है केरल तमिलनाडु के, जहाँ पे वो बेल्ट है जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो एक वेबसाइट है और एक यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, मैं नाम लेने में कोई संकोच नहीं, उनके भाई द्विवेदी जी सौरभ जी घूमने गए वहाँ पे, उन्होंने एक फैक्ट्री के मालिक का इंटरव्यू किया। तो उसकी ये जीन्स बनाने वाले कपड़े की, सब तमाम तरह के कपड़े की छोटी सी यूनिट थी। तो उन्होंने बताया कि सबसे तेज सीखने वाला स्किल्ड आदमी मुझे बिहार झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, और उनकी फैक्ट्री में ज़्यादातर वही लोग काम कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ लिए उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक आदमी हायर किया है, मतलब मेरा आदमी जो सिर्फ इसी काम को करता है, वो बिहार झारखंड उड़ीसा में घूमता रहता है कि वहाँ से आदमी हायर करके इधर लेके आना है, क्योंकि अब वहाँ भी ये दिक्कत हो रही है कि मिल नहीं रहे, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, लोग चाहिए, और बहुत फास्ट लर्नर होते हैं उस बेल्ट के लोग, और अगर कोई लड़की उधर जा रही काम करने, उसकी फैमिली उसको नहीं जाने दे, तो फैमिली को भी ले आओ, वो भी उधर रहेंगे, और वो बहुत जल्दी से तमिल सीख लेते हैं, बहुत जल्दी से वर्किंग नॉलेज इंग्लिश का सीख लेते हैं, और बहुत फास्ट लर्नर हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मिसमैच लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, या कोई काम नहीं करना चाहता कि ये समस्या जो है रीजनल बन गई है। सुमे जी, बिल्कुल नीरज जी, आपने एकदम सही कहा, और इसीलिए मार्केट, जब ये एम्प्लॉयमेंट का ये झमेला जब आ रहा है, जिसके हमने अभी इतने तबियत से डिस्कशन किया है रंजन जी, उन्हीं किशन जी सारे मिलकर गोयल साहब ने, कि जब शॉर्टेज आ रहा है तो कंपनीज अपने आप ही नए नए अनोखे स्टेप्स ले रहे हैं उस शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए। आप अगर ये डेटा देखेंगे RBI वाला, आप जैसे बोल रहे थे टेक्सटाइल्स वाला, मैंने इमीडिएटली लेबर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा देख रहा था 1998 से लेकर 2022-23 तक, और टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और मैं देख रहा था कि इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेट्स है, यानी कि यहाँ पे लेबर क्वालिटी, मतलब लेबर की जरूरत, वैल्यू एडिशन फ्रॉम द लेबर काफी हाई होता है, और इसीलिए यहाँ पे सरप्राइज नहीं कि यहाँ पे इतना ज्यादा डिमांड। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे 27 सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, 27 सेक्टर में जिन जिन सेक्टर्स में लेबर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होता गया है, उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश ही सबसे ज्यादा है, एक सिर्फ, और जहाँ पे भरमार है लोगों का वो है एग्रीकल्चर वगैरह, जहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम सिर्फ पैसे ही डालते जा रहे हैं। लेकिन इसमें नीरज जी मेरा कहना है कि मेरा, मैं मानता हूँ अच्छी तरह से कि मार्केट में सच में इस तरह के जब डिमांड आएंगे तो कंपनीज अपने आप से कोशिश करके फ्रॉम लेबर सरप्लस स्टेट से लोगों को लाएंगे, और वो फ्रिक्शनल जो कॉस्ट है उसको रिमूव करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि फैमिलीज को ले आएंगे, वो सारी चीज़ करेंगे और वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना हूँ कि हम काफ़ी कोशिश किए हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग तब भी रहेंगे, और आवाज, दुख भरी आवाज वहीं से आई। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको हैरानी होगी सुन के कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां से अगर लोगों को निकालो, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मोनेटाइज किया जा सकता है, और उस मोनेटाइजेशन में मैं एक डेटा में देख रहा था, एंड दैट्स वेरी, एंड मैं यही CNBC आवाज काफी लोगों तक पहुंचता है इसलिए मैं इसके सहारे में बोल रहा था, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में मोनेटाइजेशन की जो कैपेसिटी है छोटे फार्मर्स की, उसमें पता ऑब्जेक्शन कहाँ से है, RBI की तरफ से। आप हैरान हो जाएंगे वो क्यों, RBI कहता है कि एग्रीकल्चरल लोन्स, नॉन कोलैटरल वाले लोन में प्रिंसिपल 1 साल के अंदर चुकता करना पड़ेगा, और ये रूल हमारे पास कब से है, 1950-51 से। अब आप बताइए कौन सा ऐसा लोन है, हम लोग लेते हैं शहरों में लोन, जहां पे हमको बोला जाए कि 1 साल के अंदर आप वही सब लोन वापस कर दीजिए, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये वाला जो चीज रखा गया था, उस वक्त रखा गया था कि जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था, और उस वक्त के RBI का नियत अलग होता था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई करेंगे, लेकिन भाई देख लो कि हम एक सीजन के लिए नहीं, 1 साल तक के अंदर, 1 साल के अंदर प्रिंसिपल वापस करो। अब मामला वहीं पे रह गया कि नॉन कोलैटराइज लोन फार्मिंग में 1.6 लाख का ही मिलता है, वो अभी भी आज भी वही डेटा बना हुआ है, और वो 1 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में मोनेटाइजेशन, जिसके थ्रू से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में, नॉन MSP वाले जो क्रॉप्स हैं, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? इसमें अगर जस्ट थोड़ा सा RBI ने अगर थोड़ा सा अगर इस लॉ, इस रूल को अगर चेंज किए, तो मैं मानता हूँ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है पूरे देश में,
जस्ट वन चेंज इन द रूल, और ये इतना बड़ा मतलब ये चीज कितने सालों से ये जस्ट रहेगी अपने जगह पे कि एग्रीकल्चर, इसलिए नॉन कोलेटराइज्ड अमाउंट ज्यादा बनता नहीं है। हम जब कहते हैं कि बाकी सारे चीजों में एग्रीकल्चर लोन तो बढ़ रहा है, कोलेटराइज्ड लोन है, नॉन कोलेटराइज्ड लोन बढ़ता नहीं है, और फार्मिंग में अनाचिल हम कहते हैं डिस्ट्रेस है। तो अगर इसको अगर बदला जाए तो बहुत बड़ी चेंज आ सकती है, और ये एम्प्लॉयमेंट में एक तरह से सेफ्टी नेट बन सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मोनेटाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट का जरिया होगा, फार्मर्स दूसरे लोगों को लाएंगे अपने फार्म में काम करने के लिए छोटे छोटे भी, और तब जो माइग्रेशन का जो सोर्स है, जो माइग्रेशन का जो स्रोत है वो जिसका आप जैसे कोयम्बटोर की बात जिक्र कर रहे थे, उस तरह का चीजों में बहुत ज्यादा इजिली मूवमेंट होना शुरू होगा। दूसरी चीज में हिरानंदनी जी से बात जो बात कर रहे थे वो उस पॉइंट में जस्ट एक पॉइंट कह दूं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि एजुकेशन में स्कूलों में, और मैंने बात किया था स्कूल में टॉप लेवल ऑफिशियल से, मतलब स्कूल्स नहीं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि स्किलिंग का सब्जेक्ट्स अगर वो स्कूल में लाना चाहे तो हर स्टेट से प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं जी आप उनको गणित सिखाइए, साइंस सिखाइए, ज्योग्राफी सिखाइए, सिविक सिखाइए, उसके बाद आपको अगर सिखाना है तो स्किलिंग सिखाइए। अब बच्चा कितना देर तक स्कूल में बैठेगा, तो क्लास 8-9 तक बच्चा नेचुरली स्किलिंग में वही जाता है जो सेकंड ग्रेड बच्चा होता है, यानी कि जिसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अपने आप शुरुआत में ही स्किलिंग के ऊपर हम एक नेगेटिव छाप छोड़ देते हैं, तो ये शुरुआत का प्रॉब्लम वहीं से आता है कि हम स्किलिंग को मानते हैं इट इज सेकेंड ग्रेड, कि अच्छे बच्चे बनना है तो पढ़ाई करो, अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ो, स्किलिंग तब करना अगर तुम्हारे पास अगर कैपेसिटी नहीं है वगैरह, यानी कि शुरुआत में ही हमारे और खासकर हमारे देश में जात वगैरह का थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट रहता है, तो शुरुआत में ही समथिंग लाइक एन इंफीरियर ये हम मान के उनको चलाते हैं, तो वो फिर स्किलिंग के मामले में क्षेत्र में क्यों आएगा, और अप्रेंटिस वाली बात है वो हम बाद में कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स, सोशल टैबूज बैरियर्स भी हैं जिनकी वजह से लोग स्किल सीखने से हिचकिचाते सीख करते, हालांकि वो वैसे ही लोगों के पास जाके सर्विस लेते हैं और इतना हैवी पे करते हैं ना कि बाद में आके बताते हैं यार उसने बहुत पैसे ले लिए, वो भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी बात के साथ शर्म है, और इस बात की शर्म नहीं कि वो बेरोजगार है। एनीवे गोयल सर, स्किल की बात हो गई, सारी चीज़ों की बात हो गई, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कहाँ मिल सकती हैं आप बताइए ना। देखिए मुझे तो लगता है कि हर सेक्टर आज के डेट में अपने ग्रोइंग मोड में है, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी राज्य हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं, उन सबको राज्य की तरह नहीं बल्कि कंपनी की तरह ऑपरेट करना चाहिए, कि वो अपने आप में कॉम्पिटिशन लेके आए कि कौन कितनी और कितनी कंपनियों को अट्रैक्ट कर सकता है विद द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट देके, ईज ऑफ बिजनेस करके, लैंड अवार्ड करके, जो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 5-10 साल, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप हमने बहुत बार बात करी बिहार की, उड़ीसा की या झारखंड की, जो भी स्टेट्स है, उड़ीसा में तो फिर भी थोड़ा माइनिंग का स्टफ है वहां पे अगर सिर्फ 5-10 साल अगर सरकारें मेहनत करें जहां पे कि वो एक कन्वीनियंस जो दे सकते हैं, आप वैसे भी आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो आप जो दे सकते हैं कंपनीज को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दीजिए, आप जितना ईज ऑफ बिजनेस दे सकते हैं, टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ 100 फैक्ट्रीज लग जाती है इस 10 सालों में तो 100 के बाद उसकी एंसिलरी फैक्ट्री लग जाएंगी 200, तो 500 लगने के बाद फिर 500 ऑटोमेटिक लग जाती है। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे लगता है कि इसको कोई भी एक इंडिविजुअल सरकार या इंडिविजुअल सेंटर करके करे कि नहीं हमें बिहार को डेवलप करना है या झारखंड को करना है या किसी और स्टेट को करना है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। हर सरकार को एक कंपनी, जैसे आज के डेट में एक ही तरह की 10 कंपनियां हैं, वो कंपीट करती हैं आपस में अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, अल्टीमेट बेनिफिशियर कस्टमर होता है, बट कस्टमर उसके पास टिका रहता है उसके बाद। तो अगर राज्य मेहनत करेंगे अपने यहाँ बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए, तो वहां पे किसी तरह कंपनी जाएगी, और जब कंपनी जाती है वहां पे तो अल्टीमेट बेनिफिट कौन होगा, वहां के लोग होंगे, क्योंकि वो कंपनीज का सेटअप बनेगा, वहां के लोग स्किल्ड हो जाएंगे, वहां पे लोकल जॉब मिलेगी, वहां के लोग स्किल्ड होकर बाहर भी जा सकते हैं, और डिमांड इतनी सारी है लोगों की आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक लाइव एग्जांपल स्किल्स का बताता हूं, हमारा एक फाउंडेशन चलता है, वहां CSR में हमने लगभग 1000 लोगों को जेल में ट्रेन किया पेंटिंग करने के लिए, वॉल पेंट के लिए, वो पेंट की कंपनी थी, उनका CSR प्रोजेक्ट था इसमें। उसके बाद वो लोग जब बाहर आए तो एक भी इंडिविजुअल बेरोजगार नहीं है, हर किसी को जॉब मिल गई, और कुछ लोग तो कॉन्ट्रैक्टर बन गए।
तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं वहां पे, तो ये एक सीएसआर के थ्रू किया हुआ इनिशिएटिव हजारों लोगों को एम्प्लॉयबल कर सकता है, वो ऑलरेडी एक मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, वो गलत रास्ता छोड़ देगा क्योंकि उसकी कमाई हो रही है 700-800 रुपए 1000 रुपए पर डे का वो कमा रहा है। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू, लेकिन एनीवे जो बात गोयल साहब कह रहे थे कि अगर करने है ना, तो जो करने वाले लोग होते हैं वो मौसम का इंतजार नहीं करते कि अभी धूप बहुत तेज है, अभी बारिश हो रही है, जब मौसम ठीक होगा तो हम घर से निकलेंगे, यही बात है ना गोयल साहब? अल्टीमेटली अगर जिसको करना है वो करेंगे। इसमें रीजंस को और स्टेट स्पेसिफिक को हमको डिवाइड करके, हाँ एक चीज जरूर कर सकती है सरकार, मुझे जो मैंने बोला था पहले भी कि जो लोग हैं और जो कंपनीज हैं और जो स्किल गैप है हमारे यहाँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट ये सारा बना, बट अभी भी इसके पीछे जैसे वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता था, पोलियो का ड्राइव चलता था, पॉपुलेशन कंट्रोल का ड्राइव चलता था, मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट को लेके और स्किल्स को लेके एक वैसा ही ड्राइव, रेगुलर एक्सरसाइज, डे ऑन डे कैंपेन जहाँ पे कि लोग भी आ सके, कंपनीज भी आ सके, राइट लोगों को सिलेक्ट किया जा सके, ये मुझे लगता है ये रिगर की कमी है। अगर ये रिगर आ जाए, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन का कैंपेन रन करते हैं, कोई भी चीज है, पोलियो का था आज के डेट में, कोविड का वैक्सीनेशन का कैंपेन था, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके अगर एग्रेसिव कैंपेन रन किया जाए तो हम सिर्फ अपने देश की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते, हम बाकी के विश्व के कंपनीज को भी लोग भेज सकते हैं अपने यहाँ रेडी करके और तैयार करके, और हमारे पास इतने लोग हैं, अल्टीमेटली ये कंट्री को ही बेनिफिट करेगा चाहे वो डायरेक्टली। सर इसमें जानते हैं आप पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दो ही चीज़ें करनी है, एक तो बढ़िया स्किल सेट हो, एजुकेशन लेवल से शुरू हो जैसा सोमय सर कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, और दूसरा जो स्टेट्स हैं ना उनके जो चीफ मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर और उद्योग सचिव वगैरह हैं, इनको जाके इंडस्ट्रीज से मिलना चाहिए, अपने अपने ऑफिस में बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्यों नहीं जाते वो इंडस्ट्रीज से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए हमारे लिए। अब देखिए बिजली पहुँचा दी सब जगह मोदी जी ने, सड़क सब जगह पहुँच गई है, पानी सब जगह पोर्टेबल वाटर पहुँच रहा है, तो फिर वहाँ यूनिट क्यों नहीं लग सकती है? गुंडागर्दी आपके हाथ में एक मिनट में ख़त्म हो सकती है। तो अगर ये सब कर लें तो बहुत आसान है, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक हो जाएगा, और इंडस्ट्री लगेगी तो स्किल सेट के लोग चाहिए तो आप मजबूरी में उनको करेंगे। सर समय एकदम खत्म हो गया, गोयल साहब दोबारा करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा को सरकार के लोग, बजट बन रहा है इसलिए बार बार इस तरह के शोज कर रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो थोड़ा इस बारे में ध्यान देंगे तो ये जो आरबीआई का डेटा है ना इसमें चार चांद लग जाएंगे, फिर और बढ़िया से आपको अगले सालों में दिखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हम लोगों को सुनने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूबल विचार पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।